धर्मशाला के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा शतक बनाकर 103 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा ने जैसे यहां पर शतक कंप्लीट किया उसके बाद तमाम रिकॉर्ड्स ऐसे थे जो टूट गए और कुछ ऐसे नए रिकॉर्ड्स बने जो शायद ही भविष्य में टूट पाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करते हुए 103 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने उनका विकेट हासिल किया। उनको आउट होने के बाद काफ़ी अजीब सा रिएक्शन था पूरी इंग्लैंड टीम का कि पता नहीं कैसे वो विकेट मिल गया है। लेकिन रोहित शर्मा ने जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और बनाए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला रिकॉर्ड है कि बतौर ओपनर 2019 के बाद सबसे ज़्यादा शतक अगर किसी खिलाड़ी ने लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में तो वो हैं कप्तान रोहित शर्मा जिनके नाम 9 शतक हैं। उसके बाद श्रीलंका के दिमुथु करुणारत्ने जिनके नाम 8 शतक हैं। उसके बाद डेविड वार्नर जिन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया है उनके नाम 5 शतक हैं। तो न्यूजीलैंड के टॉम लाथम के भी 5 शतक उनके नाम है। इसके बाद अगर सबसे बड़ी एक उपलब्धि कहें या फिर कहें कि बाद में उन्हें देर से थोड़ा मौके मिले थे तो 30 साल की उम्र के बाद से अब तक रोहित शर्मा 35 सेंचुरी बना चुके हैं। यानी कि सोचिए उन्होंने 22-23 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उनकी कुल अब तक 48 सेंचुरी हुई है जिसमें से 35 सेंचुरी 30 साल की उम्र के बाद आई है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि WTC में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा सेंचुरीज अब तक किसने लगाई, यानी कि 2019 जब से WTC शुरू हुआ है तब से रोहित शर्मा ने 9। उसके बाद एक और रिकॉर्ड है कि किसी भी एशिया के खिलाड़ी ने WTC में 9 सेंचुरी नहीं बनाई है। उसके बाद अगर बात करें तो 4 सेंचुरी शुभमन गिल ने भी 2019 के बाद बना दी हैं। विराट कोहली के नाम सिर्फ 4 सेंचुरी हैं 2019 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में। मयंक अग्रवाल के नाम 4 सेंचुरी हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे के साथ साथ KL राहुल, इन लोगों ने भी 3-3 सेंचुरी WTC में लगाई हैं। इसके अलावा अगर एक और रिकॉर्ड की बात की जाए कि ओवरऑल टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा शतक किसके हैं तो नंबर 1 पे जो रूट का नाम आता है। इसके बाद अगर बात करें कि पूरी दुनिया में WTC में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए तो जो रूट के नाम 13 शतक हैं, लाबुशेन के नाम 11, केन विलियमसन के नाम 10 शतक और रोहित शर्मा के नाम 9 शतक हैं। उसके बाद अगर बात करें कि मोस्ट 100 किसने लगाए हैं भारत के लिए अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा, तो नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, उनके नाम 100 शतक हैं। नंबर 2 पे विराट कोहली का नाम आता है जिनके नाम कुल 80 शतक हो चुके हैं। और नंबर 3 पर कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है, उनके नाम अब 48 शतक हो चुके हैं 12 टेस्ट में, 5 T20 में और 31 शतक ODI में। राहुल द्रविड़ के भी 48 शतक हैं, तीनों ही फॉर्मेट में उन्होंने 48 शतक जड़े थे। तो अब रोहित शर्मा शायद राहुल द्रविड़ के भी इस आंकड़े को पार कर जाएंगे। इसके अलावा अब जो खिलाड़ी खेल रहे हैं पूरी दुनिया में उसमें सबसे ज़्यादा शतक किसके नाम है तो वहाँ पर भी नंबर 1 पे विराट कोहली हैं, नंबर 2 पे डेविड वार्नर हैं जिनके नाम 49 शतक हैं और नंबर 3 पे अब आ चुके हैं रोहित शर्मा जिनके नाम 48 हैं। उन्होंने जो रूट को पछाड़ा है, जो रूट के नाम 47 शतक हैं और केन विलियमसन के नाम कुल 45 शतक। तो कप्तान रोहित शर्मा ने आज के मैच में ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स बनाए, 103 रन के स्कोर पर आउट हुए और टीम इंडिया को संभाला। भारतीय टीम की लीड जो है वो 100 रन से ज़्यादा की हो चुकी है और टीम इंडिया ये श्रृंखला 4-1 से ज़रूर जीतना चाहेगी। आपकी क्या राय इस खबर को लेकर हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।